प्रिय विद्यार्थियों आज हम ठोसों के संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे यहां हमारे पास कुछ ठोस वस्तुएं जैसे घन लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु शंखु है आइए एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें इसका किनारा ए है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल छ वर्ग है लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्र फल में वृत्तीय आधारों के को जोड़कर प्राप्त होगा जो कि दो पाईआर एच जमा पाईआर का वर्ग जमा पाईआर का वर्ग है इसलिए यह कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दो पाईआर एच जमा दो पाईआर का वर्ग होगा अब

हमारे पास एक घन है जिसके ऊपर एक बेलन लंबी हुआ है अब यदि हमें ऐसे ठोस का कुल क्षेत्रफल परिकलित करना है, तो हम कैसे करेंगे क्या हम जमा कर दें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन और लंब वृत्तीय बेलन का क्या यह सही होगा नहीं यहां देखिए हमारे पास आधार पाई आर का वर्ग का एक लंब वृत्तीय बेलन है जो घन के एक फलक के संपर्क में है इसलिए यह एक दूसरे पर आच्छादित है और इन्हें केवल एक ही बार लिया जाएगा क्षेत्रफल लंब वृत्तीय बेलन का जमा वृत्तीय क्षेत्रफल जमा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने के लिए हम सूत्र का वर्ग घटा पाए आर का वर्ग जमा दो एच जमा पाएआर का वर्ग अर्थात छ का वर्ग जमा दो एच का प्रयोग करेंगे जो परिकलित करने पर हमें देता है जब घन का किनारा 9 सेंटीमीटर लिया जाता है और लंब वृत्तीय बेलन का व्यास भी 9 सेंटीमीटर लिया जाता है तब स्पष्ट रूप से त्रिज्या नौ बटा दो अर्थात चार दशमलव पांच सेंटीमीटर है तथा बेलन की ऊंचाई आठ सेंटीमीटर है परिकलित करने पर हमें कुल 6 गुणा नौ का वर्ग जमा दो पाई 2 गुणा तीन दशमलव एक चार गुणा चार दशमलव पांच गुणा आठ वर्ग सेंटीमीटर है जो हमें 486 जमा 226.08 सौ वर्ग सेंटीमीटर अर्थात 712.08 वर्ग सेंटीमीटर है इसलिए ठोसों के इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 712.08 वर्ग सेंटीमीटर है आइए अब हम एक और स्थिति पर विचार करें जहां लंब बेलन से एक लंब वृत्तीय शंखु जुड़ा हुआ है अब यहां देखिए हमारे पास तीन ठोस वस्तुओं का एक संयोजन है घन लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होना चाहिए क्या हम तीनों ठोसों के अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ लें नहीं हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ हमारे पास ठोसों का एक संयोजन है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल जमा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लंब वृत्तीय बेलन का जमा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लंब वृत्तीय शंखु का है यहाँ शंखु के आधार के क्षेत्रफल और बेलन के आधार के क्षेत्रफल को छोड़ रहे हैं इसलिए ऐसे संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है छ का वर्ग घटा पाएआर का वर्ग जमा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लंब वृत्तीय बेलन एच जमा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लंब वृत्तीय शंखु एल जहां त्रियक ऊंचाई एल चौदह सेंटीमीटर है इन मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं छ गुणा नौ का वर्ग घटा तीन दशमलव एक चार गुणा चार दशमलव पाँच की घात दो जमा दो गुणा तीन दशमलव एक चार गुणा चार दशमलव पांच गुणा आठ जमा तीन दशमलव एक चार गुणा चार दशमलव पांच गुणा चौदह वर्ग सेंटीमीटर जो आगे परिकलित करने पर ठोसों के इन संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आठ सौ तो छियालीस दशमलव तीन दो वर्ग सेंटीमीटर देता है इस प्रकार साथियों आपने देखा कि ऐसे ठोसों के संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इन ठोसों के अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होना आवश्यक नहीं ठोसों के ऐसे ही कुछ अन्य संयोजनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आप स्वयं ही प्रयास कर सकते हैं धन्यवाद